वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि हम जानते हैं कि चेंज ही लाइफ का एकमात्र ऑप्शन है, वैसे ही हमारा ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर भी बदल रहा है। रिटायरमेंट के बाद अक्सर देखा गया है कि माँ बाप के आसपास उनके बच्चे नहीं होते, बच्चे अब्रॉड होते हैं या उनके साथ नहीं रहते। और सच तो ये है, अगर आप लगभग 50 के आसपास हैं तो आपके माँ बाप उनकी 80s की उम्र को छू रहे होंगे। ये बहुत नाजुक समय होता है जब आपके पास एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए और बेशक ही टाइप का इंश्योरेंस होना जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात है कि इंडिया रिटायरमेंट इंडेक्स स्टडी 3.0 के अनुसार 50 प्लस उम्र एज के 90% भारतीय इस बात का पछतावा करते हैं कि उन्होंने रिटायरमेंट के लिए पहले से सेविंग्स नहीं की। फिर भी देर से शुरू करना बेहतर है ना शुरू करने से, और कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सुरक्षित कर सकती हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी पर लाइट डालने वाले हैं, टर्म इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजंस। इस विषय में गहराई से जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लीजिए। तो टर्म इंश्योरेंस होता क्या है? आसान शब्दों में समझा जाए तो टर्म इंश्योरेंस एक प्रकार का जीवन बीमा योजना होती है जो आप एक निर्धारित समय के लिए लेते हैं, यानी कि एक टर्म के लिए लेते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर की टर्म के दौरान डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी जिनको उन्होंने चुना होता है उनको सम अश्योर्ड मिल जाता है, जो पॉलिसी द्वारा गारंटीड राशि होती है। ये ध्यान देना जरूरी है कि आमतौर पर अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी के समय को पार कर लेते हैं तो कुछ ना मिलने का आम मामला है, जब तक कि प्लान में रिटर्न ऑन प्रीमियम सुविधा ना हो। अब ये सीनियर सिटीजंस की जरूरतों का कैसे ख्याल रखता है? टर्म लाइफ इंश्योरेंस फॉर सीनियर्स को ओल्डर एडल्ट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। सीनियर सिटीजन टर्म इंश्योरेंस में एलिजिबिलिटी एज हर इंश्योरेंस प्रोवाइडर के हिसाब से अलग होती है, लेकिन 60 से 80 साल तक की एज लिमिट इन प्लान्स के लिए आम है। सीनियर सिटीजन टर्म इंश्योरेंस प्लान्स आम टर्म इंश्योरेंस प्लान्स के मुकाबले ज्यादा एज तक कवरेज देते हैं। खास बात यह है कि अपर एज थ्रेशोल्ड से पता चलता है कि किस एज के बाद पॉलिसी रिन्यू नहीं की जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीमियम, वो अमाउंट ऑफ मनी जो इंश्योरेंस के लिए चुकानी पड़ती है। सीनियर सिटीजंस के लिए ये प्रीमियम ज्यादा होता है क्योंकि वो हायर एज में इसको लेते हैं। खरीदते समय मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं ताकि पहले से मौजूद कंडीशंस का पता चल सके जो प्रीमियम को इंपैक्ट कर सकता है। और याद रखिएगा, वेरियस कवरेज ऑप्शंस होते हैं, एड ऑन्स जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, प्रीमियम वेवर, disability and return of premium भी, जो extra cost के बावजूद ज्यादा comprehensive coverage देते हैं। एक example से समझते हैं इसको। Mr. Kapoor जो कि 70 साल के retired bank manager हैं, अपने pension और कुछ personal बचत पर निर्भर करते हैं अपने retirement के बाद की जरूरतों के लिए। उन्हें एक health condition है जो regular medical checkups और दवाइयों की मांग करती है। अपने आप को properly secure करने के लिए Mr. Kapoor ने एक senior citizens के लिए term insurance plan buy किया। उन्होंने एक 12 साल की term के लिए और 15 लाख रुपए के सम अश्योर्ड के साथ एक पॉलिसी चुनी जो क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट्स और मेडिकल इमरजेंसीज के लिए कवरेज देती है। अपनी पॉलिसी चलाते हुए कुछ वर्षों के बाद मिस्टर कपूर को जब हार्ट कंडीशन का पता चला तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी। उनका मेडिकल ट्रीटमेंट करीब 4 लाख रुपए का पड़ा। उनकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ने ये अचानक नए मेडिकल खर्चों को कवर किया जिससे उनकी बचत पर असर नहीं पड़ा। इसके अलावा मिस्टर कपूर की इंश्योरेंस पॉलिसी में एक डेथ बेनिफिट प्रोविजन है जो ये सुनिश्चित करता है कि उनके लीगल एयर्स किसी भी बाकी खर्चों या आने वाले खर्चे जैसे कि एस्टेट सेटलमेंट्स को संभाल सकें। इस प्लान को चुनने का उनका फैसला उन्हें और उनके परिवार को उनके गोल्डन इयर्स के दौरान काफी राहत और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करता है। चलिए देखते हैं सीनियर सिटीजंस के लिए टर्म इंश्योरेंस के फायदे क्या हैं। इंश्योरिंग स्पाउसल इंडिपेंडेंस। कई सीनियर सिटीजंस को चिंता होती है कि उनके जाने के बाद उनका जीवन साथी फाइनेंशियल रूप से असुरक्षित ना रह जाए। टर्म इंश्योरेंस ऐसा प्लान है जो मेंटल पीस प्रोवाइड करता है। अगर आप नहीं रहे तो इंश्योरेंस आपके साथी के लिए सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा। इसका मतलब है कि आपके जाने के बाद भी आपके पार्टनर अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम और सम्मान के साथ जिंदगी जी सकेंगे। सपोर्टिंग चिल्ड्रंस फ्यूचर। ये आम बात है कि बच्चे, यहाँ तक के बड़े बच्चे भी फाइनेंशियल मदद के लिए अपने पेरेंट्स पे निर्भर करते हैं। अगर आपके बच्चे अभी भी अपने फाइनेंशियल कंडीशन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो टर्म इंश्योरेंस प्लान उन्हें जरूरी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकता है ताकि अगर जरूरत पड़े तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। लिविंग अ फाइनेंशियल लेगेसी। हम में से ज्यादातर लोग अपने परिवार के लिए एक फाइनेंशियल
लेगेसी छोड़ने की कोशिश करते हैं। टर्म इंश्योरेंस का पे आउट इस मामले में एक मीनिंगफुल गिफ्ट की तरह काम करता है, जो आपके परिवार को आपके फाइनेंशियल सपोर्ट के नुकसान से निपटने के लिए काफी अमाउंट प्रोवाइड कराता है। एड्रेसिंग डेट्स एंड लोन्स। डेट्स एंड लोन्स एक इंडिविजुअल की बड़ी चिंता हो सकती है जब उन्हें अपने परिवार पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं छोड़ना हो, लेकिन टर्म इंश्योरेंस इस समस्या का एक भरोसेमंद समाधान प्रोवाइड करता है। यह आपके लव्ड वंस को आपके छोड़े गए किसी भी आउटस्टैंडिंग डेट्स या लोन्स के फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस से सुरक्षा देता है। इनकम रिप्लेसमेंट फॉर वर्किंग सीनियर्स। रिटायरमेंट एज के बाद भी काम करना कई लोगों के लिए एक रियलिटी है। ऐसे में टर्म इंश्योरेंस एक कंटिंजेंसी प्लान का काम करता है, एक बैकअप जिससे आपकी फैमिली को आपकी इनकम के बिना भी होने वाले फाइनेंशियल स्ट्रेन से सुरक्षा मिल सके। टैक्स एडवांटेजेस फॉर प्रीमियम पेड। जब आप एक सीनियर सिटीजन टर्म इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम्स का भुगतान करते हैं तो आप सेक्शन 80C के अंडर इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में डिडक्शंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आप इन प्रीमियम्स पे एक फिस्कल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। साथ ही अगर आप किसी क्रिटिकल इलनेस राइडर को चूज करते हैं और उसके लिए एडिशनल प्रीमियम्स भरते हैं तो आप सेक्शन 80D के अंडर भी टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। टैक्स एग्जेम्पशंस ऑन डेथ बेनिफिट। सीनियर सिटीजंस के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी से मिलने वाला डेथ बेनिफिट का सम सेक्शन 1010D के अंडर इनकम टैक्स 1961 में नॉन टैक्सेबल है। 2023 के बजट में की गई सेक्शन 1010D के रिसेंट चेंजेस के बाद भी ये बेनिफिट्स उतने ही मजबूत हैं। चलिए समझने के बाद अब देखते हैं कि सही सीनियर सिटीजन टर्म इंश्योरेंस प्लान चूज कैसे करें। डिटरमिन योर कवरेज नीड्स। पहला स्टेप अपनी कवरेज की जरूरतों का असेसमेंट करना है। अपनी एज, हेल्थ स्टेटस और फाइनेंशियल जिम्मेदारियों का ध्यान रखते हुए डिसाइड कीजिए कि आपके परिवार की सुरक्षा के लिए कितनी कवरेज की जरूरत होगी। ध्यान रखें, मकसद ये है कि आपके ना होने पर भी आपका परिवार बिना किसी फाइनेंशियल मुश्किल के अपनी जिंदगी जी सके। कंसिडर इन्फ्लेशन। हमेशा इन्फ्लेशन का ध्यान रखते हुए योजना बनाएं। पैसे की कीमत वक्त के साथ कम होती जाती है, तो जो कवरेज अभी सही लग रही है फ्यूचर में वो कम पड़ सकती है। इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर कैलकुलेट करें ताकि आपका कवर कम ना पड़े। कंपेयरिंग प्लान्स, प्रीमियम्स वर्सेस बेनिफिट्स। अगला स्टेप है प्लान्स का कंपैरिजन करना। सिर्फ प्रीमियम्स कॉस्ट को ही नहीं बल्कि दिए जाने वाले बेनिफिट्स पर भी ध्यान दें। क्या प्लान क्रिटिकल इलनेसेस को कवर करता है? क्या इसमें पर्सनल एक्सीडेंट कवर है? पॉलिसी रिन्यूअल के टर्म्स क्या हैं? ये सभी चीजें बेस्ट वैल्यू के लिए जरूरी हैं। अंडरस्टैंड द पॉलिसी टर्म। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज को समझना बहुत जरूरी है। पॉलिसी की टर्म क्या है और इसके कौन से एक्सक्लूजन्स हैं, खास तौर पर पहले से मौजूद कंडीशंस के लिए, और सरेंडर वैल्यू को अच्छे से जानें। ये समझने की बात है कि आप किस चीज के लिए साइन अप कर रहे हैं। एडिड प्रोटेक्शन विद राइडर्स। इंश्योरेंस कवरेज को कस्टमाइज करना कार में फीचर्स ऐड करने जैसा है, वैसे ही आप वही ऐड करते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता हो। इवैल्यूएटिंग द सरेंडर वैल्यू। कभी कभी प्लान्स बदल जाते हैं और आपको अपनी पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ती है, ऐसे में आपको क्या वैल्यू बस मिलेगी? ये है सरेंडर वैल्यू और ये कई लोगों के लिए पॉलिसी चुनने में एक महत्वपूर्ण कारण होता है। रिन्यूअल टर्म्स। आसानी से अपनी पॉलिसी रिन्यू करने की सुविधा एक इम्पॉर्टेंट बात है। रिन्यूअल टर्म्स को अच्छे से देखें, इसका खर्चा क्या होगा, रिन्यूअल कौन सी एज तक कर सकते हैं, इन सभी क्वेश्चंस का जवाब पहले से पालें। द इंश्योरर्स ट्रैक रिकॉर्ड। एक इंश्योरर की रेपुटेशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक कंपनी का हाई क्लेम सेटलमेंट रेशियो इस बात का सिग्नल है कि वो अपने क्लेम्स को प्रॉपरली फुलफिल करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। याद रखिये, जब आप सीनियर सिटीजन के रूप में टर्म इंश्योरेंस कंसिडर कर रहे हैं तो ये सिर्फ आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की सुरक्षा के बारे में नहीं है बल्कि आपके परिवार के लिए पीस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना भी है। अपनी जरूरतों को असेस करें, बेनिफिट्स को समझें और ऐसी पॉलिसी का चुनाव करें जो आपके गोल्डन ईयर्स के लिए बेहतरीन सुरक्षा प्रोवाइड कर सके। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे इनफॉर्म्ड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।